फिर इमरान खान मुझे गोलियां मारी जाती हैं। मैं पहले से कह रहा हूं कि किसने कत्ल करना है, मैं कह रहा था कि मेरे ऊपर किस तरह का हमला होना है। अल्लाह बचाता है मुझे, अल्लाह हम सबको बचा देता है। वो एक दिलेर नौजवान जिसको अभी भी मैं सलाम करता हूं कि कभी भी किसी ने बंदूक पकड़ी हो, कोई आके उसके सामने खड़ा होता, लोग भाग जाते हैं। वो अगर ना उसके ऊपर हाथ मारता तो हमारे सारे ऊपर गोलियां लगनी थी। थोड़ी दूर से तो गोलियां मार रहा था, वो ट्रेन किया हुआ था उसको, और वो ना तो हमारी टांगों पे गोलियां लग गई। मैं पर्चा करवाता हूं, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट हमारी पंजाब में, मैं पर्चा नहीं करवा सकता क्योंकि खास एक इंसान का नाम आ जाता है बीच में। ये कानून के ऊपर हैं लोग, ये कत्ल करें तशद्दुद करें, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, उसका नाम आ जाता है सारी। फिर उसके बाद मेरी सारी एविडेंस खत्म की जाती है, जो जेआईटी एविडेंस कलेक्ट करती है कि एक नहीं था तीन शूटर थे, वो एविडेंस गायब करनी जाती है। आज ये जो आके चीफ मिनिस्टर बैठता है, पहली चीज करता है जेआईटी को खत्म कर देता है। इसके पास मैंडेट किधर से आया? हुक्म आया इसको पीछे से, वो साइकोपैथ, उसने बैठ के सारी, क्योंकि उसके ऊपर आना था सब कुछ। तीन शूटर थे, इनका सारा बयानिया खत्म हो जाना था कि जी दीनी इंतहा पसंद है, इमरान खान को मारने की कोशिश की। मेरा सारी एविडेंस खत्म की, अब इसकी एविडेंस खत्म कर रहे हैं। तो जब मुझे गोलियां लगी थी तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था इन तीन लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा, अगर मुझे इंसाफ मिलना है इन तीन लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा। जिस तरह अरशद शरीफ को अगर इंसाफ मिला है तो वो लोग जो ताकत में बैठे उन्होंने तो उसका कत्ल करवाया है, वो कैसे उसको इंसाफ मिलेगा? मुझे कैसे इंसाफ मिल सकता है जब उन्होंने जो कातिल जिन्होंने मुझे कत्ल करना था वो आज पावर में बैठे हैं, मुझे कैसे इंसाफ मिलना था? कैसे बेचारे जिले शाह को इंसाफ मिलेगा? और मेरे पाकिस्तानियों सुन लो, मैं जो आपको हकीकी आजादी की बात करता हूं गौर से सुन लो, ये क्या है हकीकी आजादी? जब एक कौम को मिलती है इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। मैंने अपने को 20 साल बर्तानिया के अंदर गुजारे हैं स्टूडेंट लाइफ से, फिर मैं क्रिकेट खेलता था। कभी एक माशरा जो आजाद होता है, जिधर हकीकी जमहूरियत होती है, जिधर हकीकी आजादी होती है, जिधर रूल ऑफ लॉ होता है, जिधर इंसाफ होता है, वहां कभी ये चीजें नहीं हो सकती।